नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है संगठन के ऊपर कुछ विचार। पहलो, संगठन और भेद में अंतर को हमें समझना और स्वीकारना होगा। समान विचार और एक समान उद्देश्य के लोगों का ही संगठन बन सकता है। सलाह लो और सम्मान दो। परम पूज्य गुरुदेव के लिए मंत्र को अमल में लाना होगा। लोकेशना अर्थात सम्मान पाने की लालसा वाले सदस्य संगठन को कमजोर करते किंतु भेंट को बढ़ाते हैं। हमें भेंट वाले आकर्षण से दूर रहना चाहिए, यही संगठन बनाना है। संगठन में पारिवारिकता को बढ़ावा देने हेतु सपरिवार कार्यक्रम के आयोजन को बढ़ाना होगा। युग निर्माण का कार्य व्यक्तिगत संपर्क से ही प्रभावित कर सकता है। फोन के माध्यम से किया गया संपर्क इतना प्रभावित नहीं होता। जब तक गुरुदेव के विचारों पर शारीरिक तथा मानसिक रूप से व्यक्ति का सामूहिक चिंतन नहीं होगा, तब तक न तो लक्ष्य एक हो सकता है और न ही विचार। ऐसे में संगठन मजबूत नहीं होगा। अतः हम सबका कर्तव्य है कि सामूहिक स्वाध्याय को सर्वाधिक महत्व देवे। व्हाट्सएप का अच्छा तो है किंतु सर्वश्रेष्ठ नहीं। संगठन की दृष्टि से जिस संगठन में युवा वर्ग नहीं होता, वह संगठन अधिक दिनों तक नहीं चलता। अंत युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई सदस्य समय का पालन नहीं करता या अनुपस्थित रहता है, उससे यह पता चलता है कि ऐसे सदस्य का संगठन के उद्देश्यों के प्रति या तो कोई रुचि नहीं है अथवा उन्हें ठीक से उद्देश्यों का समझाया बताया नहीं गया है। सामूहिक स्वाध्याय से वह बीमारी भी दूर हो सकती है। सामूहिक स्वाध्याय हेतु हमारे युग निर्माण सत्संकल्प हेतु गुरुदेव की लिखित 21वीं सदी का संविधान तथा हमारी वसीयत और विरासत, यह दो पुस्तक के अत्यंत आवश्यक तथा उपयोगी है। इससे दिशाहीन होने की स्थिति नहीं आती। जिन सदस्यों ने दीक्षा ले ली है, उन्हें घर में परिजनों से नियमित साधना, बच्चों को कम से कम गायत्री चालीसा का पाठ आवश्यक है। हमारे ही घर में यदि साधना न हो रही हो तो यह खेद जनक है। लोक सेवियों के लिए दिशाबोध पुस्तक का स्वाध्याय संगठन में आवश्यक है। विचार क्रांति अभियान, सबका जीवन मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।